नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। बुराई पर अच्छाई की जीत, सार्वजनिक रामलीला समिति गंगा घाट द्वारा 72 फुट का रावण बनाया गया। रावण दहन को लेकर लोगों में उत्सुकता दिखी। आनंद घाट पर हो रही रामलीला में होने वाले रावण दहन आतिशबाजी को देखने के लिए पूरे नगर से आए हुए हजारों की तादाद में नागरिकों ने रावण दहन देखा व मंच पर हो रहे कार्यक्रम का आनंद भी उठाया। वही रामलीला समिति द्वारा समिति के पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया व नगर के सभी पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। रामलीला समिति द्वारा सभी का अभिनंदन किया गया। बुराई पे है अच्छाई के प्रतीक श्री राम जी ने आज रावण का वध किया और उसी के साथ हमारे नगर में पूरे प्रदेश का है गौरवशाली इतिहास जो है रामलीला का है। हमारे नगर की 72 फुट का रावण अट्ठाहस के साथ जो है आज उसका यह वध हुआ और उसी के साथ इस लीला के है समापन के है जो हमारी है जितनी भी है इस प्रदेश में हमने एक संदेश देने का कार्य किया। पर्यावरण अनुकूल जो है ये लीला रही और अच्छाई की है विजय हुई। प्रभु श्री राम ने आज जो है हमारे रावण का वध करके बुराई के प्रतीक रावण को यह वध करने का कार्य किया। उन्नाव से कैमरामैन जेगम नकवी के साथ सिद्दीक अहमद की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।